प्यारे दिल्ली वासियों, प्यारे भारत वासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन वर्क बढ़ता जा रहा है और बहुत ही एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है दिल्ली के अंदर जो महिलाओं को प्रताड़ित करता है और उनको मजबूर करता है, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनको जिस्म बेचने पर और अपनी अय्याशी के लिए बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर इस तरीके का कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। मैं आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को 7 साल की सज़ा दी जाए, क्योंकि अभी कोई देश के अंदर संकट आता है, जैसे कोरोना में संकट आया और सरकार ने किसी के सामने बात रखी तो ये लोग कभी नज़र नहीं आते, लेकिन अपने मन की लालसा और अय्याशी के लिए ऐसा बहुत बड़ा वर्क है जो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर लाखों करोड़ों अरबों रुपया अनअकाउंटेबल मनी इसमें खर्च हो रही है। और ये मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक बहुत सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए सरकार को, क्योंकि ये एक तरीके से अपराध के बराबर है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ पैसों के अंदर उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करना, चाहे वो सहमति से एक डील होती है, लेकिन फिर भी ये अगर मानवता की नज़र से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अपराध है। बहुत बार देश के अंदर आपदाएं आती हैं, कभी बाढ़ आती है, कभी तूफान आता है, ये कोविड की बीमारी आई है और ऐसी होती हैं, ऐसे में ये लोग नज़र नहीं आते जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं। और इसी तरीके से कई तरह के अन्य क्राइम भी दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर बढ़ रहे हैं, जैसे कई मैटर हनी ट्रैप के भी आए हैं, बड़े बड़े MLA नेता सांसद और मैं कहता हूँ कि कई एक्स पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट भी इसकी चपेट के अंदर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार एक हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ एक DCP या SP लेवल का दिल्ली में और भारत में एक ऑफिसर होता है जिसके ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है अपने क्षेत्र की, उनके नेतृत्व के अंदर एक ऐसी कमेटी, काउंसलिंग कमेटी का गठन करे उस एरिया के DSP और ACP रैंक के ऑफिसर के थ्रू, और थाना लेवल कमेटी के ऊपर भी एक ऐसा एक कमेटी का नेतृत्व होना चाहिए जिसके अंदर महिला पुलिस अधिकारी सामने आए और वो ऐसी महिलाओं का काउंसलिंग करें, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हर एक दिल्ली के अंदर भी कस्तूरबा गांधी मार्ग पे है और भारत के हर एक स्टेट के अंदर है, उन लोगों के कॉलिजन्स के अंदर उन लोगों की मदद से मैं ये चाहता हूँ, और हो सके तो महिला अधिवक्ताओं को भी इसके अंदर मौका मिलना चाहिए। खासतौर से रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन से मेरा बहुत अच्छा संपर्क है, ऐसी बहुत सारी महिला अधिवक्ता हैं जो हमेशा समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ती रहती हैं, समय समय के ऊपर महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करती रहती हैं, ऐसी महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। ऐसी कई एडवोकेट्स हैं जो निरंतर किसी न किसी रूप में किसी NGO के माध्यम से या अपने अधिवक्ता के प्रोफेशन से या अपनी निजी जीवन के तौर पर वो काउंसलिंग करती रहती हैं, ऐसे केस कोर्ट में लगातार निरंतर आते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि काउंसलिंग की ज़रूरत है ऐसी महिलाओं के लिए कि वो अपना देह व्यापार का कारोबार छोड़ के जो किसी भी कारोबार मजबूरी वंश या वो ये हालात से मजबूर होकर करती हैं उनको काउंसलिंग करी जाए। सरकार उनको RW को और सरकार का जो सोशल वेलफेयर रिजर्व अकाउंट होता है वो इनको कुछ पैसा दे, इनको कोई स्थानीय शॉप्स दे DDA के द्वारा या MCD के द्वारा, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं छोटी छोटी दुकानें इनको मुहैया कराई जाएँ, इनको कपड़े सिलाई की बुटीक की ट्रेनिंग दी जाए। आज दिल्ली के अंदर बुटीक का काम करने वाली महिलाएं बहुत सारी हर गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, 40,000-50,000 रुपये महीना कमाते हैं, इनको ब्यूटी पार्लर के लिए जगह दी जाए जो कि एक महिला आसानी से कार्य कर सकती है अपनी इज्जत और सम्मान के साथ। वहाँ पर लगातार बीट ऑफिसर की महिला बीट ऑफिसर नियुक्त करी जाए हर थाने के अंदर, ऐसी महिला ऑफिसर्स जो उनको उनके सुपरविजन में ये काम चले ताकि इसका मिसयूज भी ना हो सके, और सरकार इनकी आइडेंटिफाइड करे, कोर्ट से डाटा ले, क्रिमिनल डाटा ले और इन लोगों को फ्री में दुकान दे। मैं ये कहता हूँ, मेरी दिल्ली सरकार से भी ये गुजारिश है, माननीय दिल्ली के LG साहब से गुजारिश है, अगर दिल्ली सरकार से ये कार्य शुरू होगा तो पूरे भारत की हर स्टेट के अंदर ये कार्य के अंदर हर सरकार प्रयास ये करेगी। शुरुआत में चाहूँगा कि क्योंकि मैं दिल्ली का नागरिक हूँ और मैं शकुरबस्ती विधानसभा में आता हूँ, शकुरबस्ती विधानसभा से सतेंद्र जैन आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पिछले और दिल्ली के अंदर लगभग 8 मंत्रालयों से ये मंत्री हैं और यहाँ पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं तीनों ही सीटों के ऊपर,
और यहाँ से एमपी और केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, और जो इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ से कई डॉक्टर एस सी वत्स हैं, यहाँ पे क्षेत्र के अंदर प्रभावशाली और जनता के बीच में कार्यरत अग्रवाल फैमिली है। श्री जय भगवान अग्रवाल जी 20 साल एमएलए रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, 5 साल प्रतिपक्ष उपनेता रहे हैं। उनके सपुत्र श्री अजय अग्रवाल जी जो लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं, किसी न किसी रूप में ये पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं लगा रहता है। श्री पीके गोयल जी भी समाज सेवक हैं, वो भी प्रयास करते रहते हैं लगातार। एक पूरी इनके साथ एक टीम है जो लगातार ऐसे काम साइलेंटली कर रहे हैं, बिगैर राजनीतिक स्वार्थ के, बिगैर किसी टिकट के भाव के। और ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ कि थाना कमेटी अगर, और अब एक बहुत नया समय, लंबे समय के बाद 2009 के बाद थाना रानीबाग के अंदर मनोज यादव एक SHO आए हैं, अच्छी सूझबूझ के इंस्पेक्टर माने जाते हैं, और बहुत अच्छा तालमेल है। ACP मंगोलपुरी वीरेंद्र कादियान जी जो दिल्ली सरकार के अंदर एंटी करप्शन विभाग में थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, उनको भी चार्ज दिया गया मंगोलपुरी ACP का। और अभी एडिशनल DCP सुधांशु धामा जी भी अभी उन्होंने पद संभाला है। मैं ये चाहूँगा कि इन तीन आदमियों के बहुत सफिशेंट ऑफिसर हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, और सूझबूझ इनकी बहुत अच्छी है। और कांस्टेबल प्रवीण भाटी हैं रानीबाग थाने के अंदर, उनसे भी मैं बड़ा प्रभावित हुआ। पहले तो कुछ बात को लेकर मतभेद था, लेकिन जब मैंने 4 जुलाई को और 5 जुलाई को उनका कार्य देखा कि किस तरीके से उन्होंने समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए एक रात को पेट्रोलिंग के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा एनर्जी जिम के सामने, सैनिक विहार गेट नंबर 2 के सामने, ये बहुत तारीफ के काबिल था कि एक चलते हुई मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोलिंग पे इन 2 पुलिस ऑफिसरों ने, ऐसे ऑफिसरों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, इनको रिवार्ड मिलना चाहिए, ये मेरी अफसरों से गुजारिश भी है। ASI प्रकाशवीर जी हैं जो यहाँ रानीबाग थाने के अंदर हैं, वो भी बिल्कुल होड़दंग करने वाले ऑफिसर नहीं है। उनके अंदर मैंने देखा बड़ी शांत प्रणाली से बड़े ठोस निर्णय वो लेते हैं अपराध के प्रति, आपराधिक सोच के प्रति। अपराधी से ज़्यादा उनकी सोच आपराधिक गतिविधियों पर रहती है, जो मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। एक पुलिस जिम्मेवार पुलिस ऑफिसर का ये कार्य होना चाहिए। और ऐसे विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ अधिकारी मेरी जानकारी में बहुत अच्छे, एक DCP साहब के पर्सनल सेक्शन में भी आउटर डिस्ट्रिक्ट में कुछ 1-2 ऑफिसरों को मैं ऐसे जानता हूँ कि जो बहुत ही प्रयास करते हैं कि आम आदमी की बात DCP के कमरे तक जाए और जनता के और DCP के बीच में तालमेल बने रहे। ऐसे कुछ ऑफिसर यहाँ बहुत अच्छे हैं, इस टाइम 2009 के बाद थाना रानीबाग में आए हैं। मैं ये जरूर चाहूँगा कि इन लोगों का प्रयास रहे और इन लोगों के द्वारा अब एक ऐसा माहौल जो बनना शुरू हुआ रानीबाग में वो किसी तरीके से टूट ना पाए, और इन महिलाओं की काउंसलिंग होनी चाहिए। और रानीबाग थाने से शुरुआत हो तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी, श्री जय भगवान अग्रवाल जी के नेतृत्व के अंदर ये शुरुआत हो जाए, क्योंकि जिनका 3-4 मकान छोड़ के रानीबाग थाने के पड़ोस में घर हैं, ये एक ऐसे समाज सेवक और ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, समाज से थाना रानीबाग में कमेटी बनाई जाए, और भी जो कई अपराधी हैं क्षेत्र के अंदर, कम उम्र के बच्चे हैं जो ज़्यादातर रानीबाग थाने में पिछले 2009 से जो पुलिस अधिकारी बीट के लिए 1 नंबर और 4 नंबर के अंदर लड़ाई रही, और उन्होंने अपने ही फायदे के लिए इन बच्चों को आज अपराधी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। इस तरीके से मैं चाहूँगा कि अगर कोई काउंसलिंग का अगर तरीका हो और दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली पुलिस के पास ऐसा प्रोविजन होता हर एक थाने के अंदर, SHO के पास, थाना कमेटी का, और उसमें जनप्रतिनिधि को शामिल किया जाए। और रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन से मैं 3 नाम रखूँगा महिला अधिवक्ताओं में, ख़ास तौर से एडवोकेट मोहिनी मोहना जी का, एडवोकेट आशा ज्योति आर्या जी का, एडवोकेट संगीता तलवार जी का, क्योंकि बीन स्टार वेलफेयर एसोसिएशन के एक NGO के साथ काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। झुग्गी और झोपड़ी बस्तियों में उनका निरंतर प्रयास रहता है, वो जाती हैं वहाँ पर, मैं उनको पर्सनली उनके बहुत सारे मैंने वीडियो भी बनाए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे अधिवक्ताओं को, महिला अधिवक्ताओं को अगर ऐसी कमेटियों में रखा जाए, और श्री जय भगवान अग्रवाल जैसे जो प्रतिभाशाली 70 साल की जिनकी उम्र है और थाने के बिल्कुल बगल में समय दे सकते हैं,
और 20 साल उनको जो है एक विधायक का एक उनको अनुभव है। और एसीपी वीरेंद्र कादियान जी, मैं बहुत उम्मीदें हैं मेरी उनसे इस शब्दावली के माध्यम से, ये प्रयास जरूर होना चाहिए, कम से कम इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और अगर इस शुरुआत के अंदर कोई कमी आ रही है तो उसकी बात अगर ये जनता के बीच में रखें तो मैं ये चाहता हूँ कि पैसों की भी व्यवस्था हो सकती है। जब तक दिल्ली सरकार कुछ शुरुआत नहीं करती तो कुछ एनजीओ और डब्ल्यूओ संस्थाएं हमारी जानकारी में है, अगर पुलिस इसकी ये कोई मीटिंग करे, प्रस्ताव पारित करे, तो जरूर प्रयास ऐसे हो सकते हैं। ऐसे लोग सोशल वर्कर आरडब्ल्यूओ एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव मेरे संपर्क में है, जो पैसा भी दे सकते हैं बाय चेक दिल्ली पुलिस के नाम पे, डीसीबी आउटर डिस्ट्रिक्ट के नाम पे, जिससे कि ये एक समाज सेवा का एक ऐसा उदाहरण पूरी दिल्ली और दिल्ली भारत के अंदर बनेगा। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि सत्येंद्र जैन जी भी खुलकर समर्थन करें, अपील करें बकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि ऐसी महिलाओं को इंसाफ मिल सके, उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। जो अपराधी सुधरना चाहते हैं, इस अपराध के कैरियर से निकलना चाहते हैं, उनके लिए ये एक मौका हो। क्योंकि जब ये बच्चे, ऐसे परिवारों के बच्चों को जब मैंने देखा कोर्ट के अंदर, साथियों बड़ी हैरानी की बात होती है कि एक साल का, छः महीने का, दो साल का बच्चा उनके गोद में होता है, उनका परिवार वहाँ होता है, कोर्ट के अंदर होते हैं और उनके पास फीस के पैसे नहीं होते, वो लोग वहाँ रो रहे हैं, पिट रहे हैं, कानून की मर्यादा नहीं जानते, कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन नहीं जानते। जो बच्चा जन्म से ही क्या देखता है, कोर्ट देखता है, जेल देखता है, झूठ सच देखता है, मजबूरी देखता है, भुखमरी देखता है, प्यास देखता है, रहने के साधन नहीं है, उसके घर में बिजली नहीं है, घर में पहनने के कपड़े नहीं है, जब वो ऐसे साधन देखता है, ऐसी जन्म से ऐसी चीज़ें देखता है, तो वो व्यक्ति समाज के, वो बच्चा समाज के खिलाफ हो जाता है, जो हमारे देश का भविष्य होता है। उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छा उसको काउंसलिंग करने वाला नहीं मिल पाता, पुलिस का लगातार ऐसे परिवारों में समय समय पर रेड करना, आपराधिक छवि को थाने में लाके घंटों बैठाए रखना, इससे एक समाज का एक वर्ग जो है समाज से कटता जा रहा है, जो हमारे शरीर का अंग है, इस देश का अंग है, इस देश की आत्मा है। मैं चाहता हूं कि जब 500 साल बाद आज मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश के अंदर बदलाव आ रहा है, एक सोच में परिवर्तन आ रहा है, हमारे गृह मंत्री बहुत सशक्त हैं अमित शाह जी, और एक ऐसा परिवर्तन, और कमिश्नर हमारे दिल्ली पुलिस के आदरणीय श्री एस एन श्रीवास्तव जी भी बहुत अच्छे प्रतिभाशाली ऑफिसर हैं, और अगर कोई, अगर मैं चाहता हूँ उच्च स्तरीय का अधिकारी इसके अंदर कोई इसको नेतृत्व करे, तो ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर डेविड लाल सिंगा जी हैं, मैं चाहूँगा कि उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाए, बहुत ही ईमानदार छवि के ऑफिसर हैं। ऐसा नहीं है कि और लोगों के बारे में मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन बहुत पर्सनली मैं जानता हूँ कि ये जब ज्वाइंट सीपी विजिलेंस पीएचक्यू थे तो इनके सामने फाइलें रखी नहीं जाती थी जान करके, क्योंकि लोगों को ये डर होता था भ्रष्ट कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को, कि कहीं ये उनके खिलाफ एक्शन ना ले लें, बहुत ऐसा कुछ होता था कि लोग इनसे बातें छुपाते थे। और मैं ये चाहता हूँ कि इनकी नेतृत्व के अंदर, मैं फिजिकली तो कभी इनसे मिला नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट से मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ जाना है, और बाकी तो दिल्ली पुलिस के अंदर इनका रिकॉर्ड अपने आप है ही। मैं ये चाहूँगा कि ऐसे प्रतिभाशाली अधिकारी को भी पूरी दिल्ली के नेतृत्व में इनको इस सेल का कोई विंग का एक इनको जिम्मा सौंपा जाए, ज्वाइंट सीपी के पास बहुत पावर होती है। और इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम देता हूँ। ऐसे बच्चे, ऐसी महिलाएं, और अपराधी से ज़्यादा अपराधिक सोच पर वार करें, ये रानीबाग थाने से एक प्रयास शुरू होना चाहिए, और इसी आशा के साथ मैं शब्दावली विराम देता हूँ। जय हिंद, जय